बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाजवाब रमज़ान किचन के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ कटलस। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें बॉयल पोटैटोज़, इसके अलावा हमें छोटी कटी हुई प्याज चाहिए, सूखा धनिया, कोरिएंडर जो है उसको क्रश कोरिएंडर हमने यूज़ करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पीसना, पाउडर फॉर्म में नहीं लाना बल्कि हल्का हल्का से उसको मोटा रखना है। इसके अलावा सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून या हसब ज़ायका 1 टेबल स्पून, ज़ीरा और ये जो कोरिएंडर है ये भी 1 टेबल स्पून है, नमक जो है वो हसब ज़ायका, कुछ ग्रीन चिलीज़ और वी नीड चीज़, और इसके अलावा हमें सब्ज़ धनिया जो है वो रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा हमारे पास अंडा है और ब्रेड क्रम्स हैं। अंडा जब हम ये बना लेंगे उसके बाद अंडे के अंदर इसको डिप करके उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स जो है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये बॉयल पोटैटोज़ है, इसके अंदर मैंने बॉयल करते हुए सॉल्ट नहीं डाला तो इस वजह से इसके अंदर हम नमक बाद में डालेंगे। इसको आपने क्रश कर लेना है। इसको मैश करने के बाद हम इसके अंदर अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल कर लेंगे। इसके अंदर हम ये सारे एक साथ ही शामिल कर लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर अनियंस, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम सिंपल सा इसका एक थोड़ा सा बैटर लेके इसका एक बॉल सा बना लेंगे। और इसके अंदर मेरे पास इस वक्त चीज़ जो है वो स्लाइस फॉर्म में है, अगर आपके पास क्रश दूसरी चीज़ हो तो आप उसको यूज़ कर लें। फ़िलहाल मैं यही यूज़ कर रहा हूँ और आपने इसको ऐसे बंद कर लेना।
अब हमने इस बॉल को जो हमने बनाया है इसको हम डिप करेंगे एग के अंदर, और डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स के ऊपर ऐसे रोल करेंगे। कोशिश करनी है सारी तरफ जो है वो ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से लग जाएं। इसी तरह सबको करना है। एक दफ़ा ब्रेड क्रम्स में डिप करने के बाद आपने इसको दोबारा एग में डिप करना है और दोबारा यही प्रोसेस करना है। इससे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छी तरह इसके साथ जो है वो चिपक जाएंगे, और जब हम फ्राई करेंगे तब ये ज़्यादा उतरेंगे नहीं। अच्छा जी, इस वक्त हमारे ये जो चीज़ कटलस है ये कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हमने इनको डीप फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। इसके लिए हमने इनको गर्म तेल में डालना है। अभी हम ऑयल को रेडी कर रहे हैं, उसके बाद हम इस ब्रेड क्रम सॉरी वंस ऑयल जो है वो सही हॉट हो जाएगा तो हम इसको उसमें डीप फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। आपने कोशिश करें इसको किसी कढ़ाई के अंदर डीप फ्राई करें। फ़िलहाल मेरे पास ऐसा ही कोई कढ़ाई मौजूद नहीं है तो मैं इसको इसी बर्तन में डीप फ्राई कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसे डीप फ्राई करेंगे तो दैट विल बी बेटर। ये जी, इस वक्त हमारे चीज़ कटलेट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं फ्राई होने के बाद और गोल्डन ब्राउन होंगे, तो आपको इनको निकाल लेना है। एंड अब दे सकते हैं इसके अंदर चीज़।